अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अभी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत में मेरा रूम कैसा है, उसमें कितने आदमी रहते हैं, कितना रेंट है, तो मुकम्मल आपको उसका व्यू दिखाऊंगा। जो ये मेरे पीछे जिधर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे मेरी बिल्डिंग है, देख सकते हैं। तो मैं इसके ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। ये है मेरा रूम, मैं अभी अपने रूम के पास पहुंच चुका हूँ। मेरा बेडरूम, हमारा डबल बेड है, ये देख सकते हैं। इधर हमने डबल बेड लगाया हुआ है, एक आदमी ऊपर सोता है, ये एक नीचे। तो इधर ये इसके नीचे भी स्पेस है, ये देख सकते हैं। तो इसके कभी ज़्यादा आदमी हो तो एक आदमी इसके बेड के नीचे भी सो जाता है। तो दो हमने बेड लगाए हुए हैं, तो एक बेड इधर है, ये देख सकते हैं, ये बेड है। तो इसके नीचे भी एक बेड है, एक आदमी इसके नीचे सोता है और एक आदमी और भी इसके नीचे सोता है, ये देख सकते हैं। ये बेड के नीचे है, ये उसका कंबल वगैरह, ये उसका तकिया वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये डबल बेड है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे रूम में, ये गर्मी इधर बहुत ज़्यादा होता है, तो इधर ये हमारा एसी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इधर एसी भी लगा हुआ है। तो इधर ये जो कपड़ा लगा आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमने बैग वगैरह रखे हुए हैं, प्लाई वगैरह लगा के, तो बैग वगैरह सामने नज़र ना आए, तो इसको थोड़ा छुपा के रखा हुआ है, सामने कपड़ा ना लगाए तो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे इधर ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये हमारे सारे कपड़े इधर हमने लगा के रखे हुए हैं। ये अलमारी है, जो आदमी इससे बेड के ऊपर सोता है तो वो उसके अपना सामान, पर्सनल सामान रखने के लिए वो अलमारी लगा के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा बेड लगाने के बाद ये इतना स्पेस बचता है हमारे पास, पांच छह आदमी इधर बैठ के हम लोग खाना भी खा सकते हैं। ये इतना स्पेस है हमारे बेड के पास। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बेडरूम में हम चार आदमी रहते हैं इस वक्त, तो हमारा जो रेंट आता है वो 115 केड़ी है, यानी कि पाकिस्तानी 1,05,000 इसका रेंट है। तो हमारे हर आदमी के हिस्से में पाकिस्तानी जो रकम आती है वो पाकिस्तानी 27,000 रुपये इस वक्त हम हर आदमी इसका रेंट देता है। तो अभी चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, ये देख सकते हैं, ये है हमारा किचन, ये हमारा किचन है, जो चूल्हा ऊपर पड़ा हुआ है इधर। तो उसके ऊपर ये कपड़े वगैरह लगाया हुआ है हमने सामान रखने के लिए, ये देख सकते हैं। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये पूरा सामान हमारा पड़ा हुआ है, जो भी हमने अपने खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दूसरी अलमारी में भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी पूरा सामान पड़ा हुआ है इधर, ये भी इधर पूरा सामान पड़ा हुआ है खाना बनाने के लिए। ये हमने फिल्टर लगाया हुआ है, तो पानी को साफ करने के लिए हमने फिल्टर लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये ऊपर फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, हवा को बाहर निकालने के लिए। तो ये हमारे पास ओवन है, तो खाना वगैरह गर्म करने के लिए हमने ओवन ला के रखा हुआ है। तो ये है हमारे पास ओवन। तो इधर हमने एक बॉक्स लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, इसमें जो हम सामान लेके आते हैं, शापर वगैरह बच जाते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा शापर होते हैं, वो हम इस बॉक्स में डाल देते हैं, कभी ज़रूरत हो तो निकाल के हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर भी हमने अपने ये दराज के अंदर भी हमने अपने छोटे छोटे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, चमच वगैरह, ये देख सकते हैं, इसके अंदर भी है हमारा सामान। तो इसके अंदर भी ये देख सकते हैं हमारा सामान पड़ा हुआ है खाना पकाने के लिए। तो इसके अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है कचरे वाला टोकरी, जो हम चूज़ करते हैं, जो कचरा वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, जब ये बाल्टी भर जाता है तो हम बाहर बल्दिया के ड्रम में फेंक आते हैं। तो ये है हमारे पास एक स्टोल, तो जब आदमी खाना पकाते पकाते थक जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेता है। तो ये इधर भी ये क्लीन वगैरह लगा हुआ है, ये पूरा हमने अपने रूम में क्लीन बिछाया हुआ है, ये देख सकते हैं।
तो इधर भी हमारा ऊपर ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, बालकोनी बना के इसके ऊपर भी सामान रखा हुआ है और ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है कि सामान नजर ना आए। तो इधर भी हमारे ये कपड़े लगे हुए हैं, ये दे सकते हैं। ये इधर ग्लास वगैरह लगाया हुआ है, ये दे। ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये दे सकते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर ही हमने अपना फ्रिज रखा हुआ है, ये है हमारा फ्रिज। और इस फ्रिज के ऊपर भी एक मिनी फ्रिज है, तो वो हम चलाते तो नहीं है, जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम इसको चला लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा फ्रिज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा फ्रिज, तो उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हैं। हमारे फ्रिज के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है तो आप तफसील से देख सकते हैं इसका व्यू। तो ऊपर वाले हिस्से में तो कुछ खास चीज़ नहीं पड़ा हुआ। तो ये इसके अंदर भी हमारे ड्राइंग रूम के अंदर भी हमने एक एसी लगाया हुआ है, दे सकते हैं। जब आदमी उधर अपने रूम में सो जाता है बेडरूम में, तो इधर आदमी कुछ आराम करता रहता है, जिसके पास काम नहीं होता जा पे नहीं जाता तो वो इधर आराम से बैठा रहता है। ये है कबट, तो अपना कोई पर्सनल सामान रखने के लिए ये कबट है, इसमें अपने कागज़ वगैरह रखे हैं, ये दे सकते हैं। ये नीचे भी दे सकते हैं, इसमें अपना कोई पर्सनल सामान रखते हैं हम लोग। ये है बैग, जो हम काम पे इसमें खाना वगैरह लेकर जाते हैं। तो ये हमारे पास आयरन पड़ा हुआ है, उसके साथ कपड़ा भी है, जब हम इस पे कपड़े इस्त्री वगैरह करते हैं। तो ये है हमारी कबट अलमारी, इसमें हम अपना कोई पर्सनल सामान रखते हैं, ये दे सकते हैं। इसके अंदर हमारा ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये सारा पूरा ड्राइंग रूम में हमने कपड़े लगा के रखा हुआ है, ये दे सकते हैं। ये हमारे पास दूध का डब्बा पड़ा हुआ है, ये दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे ये आयल है, कुकिंग आयल है, तो ये भी अलमारी है, ये दूसरे दोस्त की अलमारी है, ये भी हमने अलमारी लगा के रखा हुआ है, पूरा अलमारी है, ये दे सकते हैं। ये है सामने ग्लास लगाया हुआ है, तो इसके आदमी को फ्रेश होने के बाद इधर अपना पूरा क्लीनिंग वगैरह कंघी वगैरह करता है, ये दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर हमने मोबाइल, ये हमारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, लीड लगा हुआ है, इधर हम ये मोबाइल लगाते हैं, ये है हमारे पास लीड। तो हम इसके अंदर ये लगा के मोबाइल को इसके अंदर रख देते हैं। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये दे सकते हैं। इधर हम आराम करते हैं, जॉब से आके हम इधर पूरा रेस्ट करते हैं। अभी चलते हैं हम अपने टॉयलेट की तरफ। ये है हमारा टॉयलेट, ये दे सकते हैं। ये है हमारे पास हमारी वॉशिंग मशीन, और उसके ऊपर ये हमने अलमारी, छोटी सी एक अलमारी लगाई है, ये दे सकते हैं। उसमें हमने साबुन वगैरह रखे हुए हैं अलमारी के अंदर, तो ये वॉश करने के लिए साबुन है हमारे पास। और उसके बाद ये हाथ वगैरह धोने के लिए बेसिन लगाया हुआ है, ये हमारा टॉयलेट है, ये दे सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक ड्रम पानी का रखा हुआ है, तो गर्मी के मौसम में इतना गर्म पानी हो जाता है कि हाथ लगाने के लिए मुश्किल होता है, तो हम इसमें पानी स्टोर कर लेते हैं इस ड्रम के अंदर, तो पानी ठंडा हो जाता है, फिर हम नहाते हैं वगैरह हैं। तो ये दे सकते हैं हमारे टॉयलेट का व्यू। तो हमने आपको अपने रूम का मुकम्मल व्यू दिखा दिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।